तो हमारे पास दो कंपनी है अदर देन कैश में, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड और एक पी क्यू आर लिमिटेड। तो पी क्यू आर लिमिटेड सेलर कंपनी है, इसको क्या नाम दिया मैंने, एक और वेंडर और ये बायर है। इसको मशीनरी चाहिए और मशीनरी की कीमत सपोज करो 1,00,000 रुपये है। तो वैसे इस कंपनी को नॉर्मली क्या करना होता कि इसे 1,00,000 रुपये दे देना चाहिए था और इससे मशीनरी खरीद लेना चाहिए। तो ये तो हो गया सिंपल परचेज। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इसने मशीनरी इसको दिया तो सही, इससे मशीनरी लिया तो सही इसने, लेकिन बदले में इन दोनों ने आपस में बातचीत के जरिए इसने इसको क्या दे दिए, शेयर। तो अब देखो आप मुझे बताना, क्या इसने किसी को शेयर दिया है? तो जवाब होगा सर दिया तो है। किसको दिया है? पी क्यू आर लिमिटेड को। क्या इसने पी क्यू आर लिमिटेड से पैसे लिए हैं? नहीं। क्या लिए हैं? मशीनरी। तो हो गया शेयर इशू, लेकिन पैसे नहीं मिले, तो इसलिए टॉपिक बन गया अदर देन कैश। समझ में आई बात आपको, अदर देन कैश का। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हो सकता है, देखते हैं उस टॉपिक को। इसके अंदर मेनली 3 टॉपिक हैं सर। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें? एक तो अगर कोई भी कंपनी सिंगल एसेट्स खरीदे, परचेज करे वो सिंगल एसेट्स या वन एसेट, कोई भी एसेट्स खरीद ले। मैं यहां एसेट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब कोई भी एसेट्स खरीदे। नंबर 2, कंपनी जो है, जो शेयर्स इशू कर रहा है, वो पूरी कंपनी को ही खरीद ले, वो परचेज कर ले बिजनेस, पूरे का पूरा बिजनेस, पूरे की पूरी कंपनी खरीद ले, तब कैसे जर्नल एंट्री पास होगा सर। 3rd है अंडरराइटर को शेयर देना या फिर प्रमोटर को शेयर देना। सर ये अंडरराइटर कौन होता है, प्रमोटर? जैसे जैसे टॉपिक पे हम आते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी भी चर्चा करते जाएंगे। सिंपल सी बात है, हम पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहला क्या है, वन एसेट्स को खरीदना। इसके अंदर 2 केसेस हो सकता है, या तो हम उसको शेयर इशू करेंगे एट पार के, लो जी 1,00,000 का मशीनरी और ये ले लो 1,00,000 रुपए का शेयर, या हम इशू करेंगे उसको शेयर एट प्रीमियम पे। तो चलिए पहले एट पार का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि मैंने परचेज किया एसेट, एसेट की जगह पे लिख देते हैं मशीनरी। मैंने परचेज किया मशीनरी कितने का, 1,00,000 का। बदले में मैंने इशू कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री क्या होगा, पहले मशीनरी खरीदने की बात होगी और परचेज किससे किया, नाम नहीं दिया। तो आप बताइए जिससे सामान खरीदते हैं उसको, अभी अभी मैंने बताया था क्या नाम बोलते हैं, हम वेंडर। तो हम उसका वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे वेंडर। तो एंट्री करेंगे मशीनरी, एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट टू वेंडर। सर एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर कंपनी का नाम होता, सपोज पी क्यू आर लिमिटेड अगर होता, तो क्या अगर हम यहां पी क्यू आर लिमिटेड लिख देते तो सही माना जाता? बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। बीइंग क्या होगा, बीइंग होगा मशीनरी परचेज। अगली एंट्री की हम बात करें तो इस एंट्री का मतलब क्या है, इस एंट्री का मतलब है हमने मशीनरी खरीदा है। इस एंट्री का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमने शेयर को इशू कर दिया है। अब शेयर इशू करना है तो शेयर इशू किसको करेंगे, इसका मतलब एसेट्स आ गया, ये लाइबिलिटी बन गया। अगली एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने, 1,00,000। अब क्वेश्चन रेज होता है सर ये 10 वाला है कितने वाला है, आपकी इच्छा है कुछ भी मानिए। ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम केस में 10 वाला ही होता है, तो यहां पे क्या लिखूंगा, बीइंग शेयर, या फिर मैं नंबर में भी लिख सकता हूं 10,000 शेयर इशूड टू वेंडर एट द रुपीज 10, और डिटेल लिखना चाहते हैं लिखिए, वो
पहले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इस पॉइंट में किसी को डाउट? इस टॉपिक में डाउट? नहीं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एक और केस बना लूं इस पे? चलिए फिर मैं इस पे आऊंगा। एक और केस, मैंने मान लिया मशीनरी खरीदा ₹110,000 और मैंने बदले में उसे कैश भी दे दिया ₹5,000। बैलेंस उसको मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिए। समझ रहे हो बात? अब एंट्री कैसे करेंगे हम? पहली मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कितने रुपए का? अब बिंग वगैरह मैं नहीं लिखूंगा, ₹110,000। अगली एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पहले इक्विटी शेयर, ऊपर नीचे कर सकते हो, गलत नहीं होगा, और टू कैश अकाउंट। और यहां आ जाएगा ₹110,000 इक्विटी शेयर, कैश दिया आपने ₹5,000, तो इक्विटी में क्या आ जाएगा? 1,00,000। और मैं ये भी बोल सकता था कि यहां पे बैंक से पैसे दिए, तो यहां क्या आ जाता? टू में बैंक। मैं ये भी बोल सकता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिए हैं, तो यहां पे आ जाता बिल्स पेबल। क्या आ जाता हमारा? बिल्स पेबल। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट मैंने करा कंप्लीट। किसी को डाउट है तो बताइए, फिर मैं अगले वाले पार्ट पे चलूं। ये वाला क्लियर है? अगला प्रीमियम, अगली बात करते हैं प्रीमियम को करके ये टॉपिक खत्म करते हैं। हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है सर? जब कभी भी प्रीमियम पे बोला जाएगा कि प्रीमियम पे शेयर को इशू किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट आपको नंबर ऑफ शेयर, आप ऐसे नोट करना, आपके पास तो रजिस्टर है ना, ये करना एग्जांपल नंबर 2 इसी के नीचे कर लेना रजिस्टर के, और इसके नीचे जो मैं यहां लिख रहा हूं वो नोटिंग करना, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। कब निकालना होगा सर नंबर ऑफ शेयर? जब शेयर इशू करोगे प्रीमियम में। कैसे निकलेगा? एसेट का वैल्यू लिख दो आप, लेकिन एसेट्स का वैल्यू कौन सा लिखना है? आफ्टर पेमेंट। सर ये समझाओ एक बार, जैसे कि मान लो हमारा एसेट्स यहां पे तो 1,10,000 है, मैं इस एग्जांपल को यूज कर रहा हूं, वहां पे 1,10,000 है, लेकिन पेमेंट कितना कर दिया हमने? तो वहां पे 1,05,000 लेंगे, यहां पे क्या लेंगे? 1,05,000 डिवाइडेड बाय आपका इशू प्राइस। सर इशू प्राइस बता दीजिए। इशू प्राइस होता है आपका फेस वैल्यू और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया? एग्जांपल देखिए, मैंने क्या करा, एक मशीनरी परचेज किया है ₹110,000 का, मैंने इसको इशू कर दिए इक्विटी शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम पे। इसका मतलब सामने वाले वेंडर को मैंने जो शेयर्स दिया है वो प्रीमियम पे है। क्लियर? तो सर प्रीमियम पे है तो ये तो बताओ कितने का है हमारा इक्विटी? आपकी इच्छा है 10 मानिए 100 मानिए, आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा कि 10 का है 100 का, तो आपके ऊपर है। 10 का मान लो तब भी ठीक, 100 का मान लो तब भी ठीक, और मैं हमेशा 10 मान के चलता हूं। आपको अगर दूसरा अमाउंट मानना है तो मान सकते हैं। अब प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, मशीनरी परचेज किया है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी से अगर मैं प्रीमियम पूछूं ना कि बताओ प्रीमियम कितना होगा, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर क्या होता है? सर 10% है तो 11,000। अगर 1,10,000 रुपए का आप मशीनरी खरीद रहे हो, उस पर कितने परसेंट है? 10% तो आएगा 11,000 आएगा सर। तो ये जवाब गलत है। अभी देखना आप नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? एसेट्स वैल्यू आफ्टर कैश तो कुछ नहीं है, 1,10,000। अब फेस नीचे क्या रखा है मैंने? इशू प्राइस क्या है? फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम।
10% प्रीमियम, तो आपका इशू प्राइस क्या होगा 11, हर किसी को 11 समझ में आया, 10 रुपये का शेयर होगा और 10% का प्रीमियम लगा दे तो टोटल हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 11, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आया हमारा 10,000। अब एंट्री देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखे, वेंडर अकाउंट, कितने रुपए, 1,10,000। कोई डाउट यहां तक, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। इसके आगे की एंट्री मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। अगली एंट्री हम करेंगे, अगली एंट्री होगा हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट, कितने, अब टू में डालेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान देना है, 10,000 शेयर है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि फेस वैल्यू आएगा यहां 1,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखें, सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आएगा जी, 10,000 शेयर है और एक शेयर पे प्रीमियम हमने 1 रुपये निकाला था तो क्या आया, ज़्यादातर कुछ बच्चे अभी सोच रहे होंगे मन में कि 11,000 प्रीमियम है, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या निकल के आया, प्रीमियम कितना निकल के आया। नॉर्मली आपसे बोलूँ कि बताओ प्रीमियम कितना है, तो आप बोलोगे सर 1,10,000 है तो प्रीमियम लोगे तो 11,000 ले लो, तो वो गलत है, जबकि प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो या ये कितना हो गया हमारा 10,000। तो हमारा ये दोनों पॉइंट खत्म हो गया, लेकिन इसका एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, पहले आप फटाफट इसको नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन करूँगा मैं। मैंने एक मशीनरी खरीदा और जिसकी कीमत है 1,00,000 और मैंने शेयर इशू किए हैं एट 10% प्रीमियम पे, ठीक है। अब आपको वेंडर को जो भी शेयर इशू करना है कैसे करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में जब प्रीमियम पे हो तो सबसे पहले नंबर निकालते हैं। आप यहाँ नंबर निकालोगे जब तो क्या आएगा, एसेट्स का वैल्यू, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, एसेट्स का वैल्यू मतलब 1,00,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या होगा 10 और 11, तो जवाब क्या आएगा, डिवाइड करो देखो, यानी 1,00,000 डिवाइडेड बाय 11 ये आगे 9090.909090, कैलकुलेटर से बाहर भी निकल जाएगा ये। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाले सारे डिजिट इग्नोर करना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, जब आपका पॉइंट में शेयर निकल जाए तो पॉइंट में शेयर दे नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, इसको पॉइंट के बाद के सारे डिजिट को इग्नोर करना है। अब जनरल एंट्री देखिए, जनरल एंट्री में क्या करेंगे हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और सर ऐसा इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो आप राउंड फिगर अपर साइड करते हो, क्या पता मेरा ऑथराइज कैपिटल उतना ना हो कि एक शेयर में एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको पता है कि ऑथराइज कैपिटल से एक शेयर भी हम एक्स्ट्रा तो हम कम तो दे सकते हैं ना, इसलिए मैं पहले लोअर में करता हूं हमेशा राउंड फिगर। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का, 1,00,000। टू वेंडर कितने का, वेंडर कितने का, 1,00,000 रुपए। अब आइए अगली एंट्री, वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने का, लेकिन जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे ना तो नंबर से काम करते हैं, 9090 गुणा में 10, तो 9090, और जब सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 9090 गुणा में 1, 9090। अब देखो दोनों साइड बराबर नहीं आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्रेडिट में डिफरेंस आएगा और उस डिफरेंस को आपको कैश अकाउंट से मल्टी मतलब के मैच कर देना है, बीइंग में कोई बदलाव नहीं है, क्लियर है। तो जब कभी भी आपका पॉइंट में शेयर्स निकले तो आपको वहां पे पॉइंट के बाद के डिजिट का इग्नोर करना है। देखो हालांकि मेरा पॉइंट के बाद भी 90 आ रहा था, तो कुछ बच्चे सोचते हैं सर पॉइंट के बाद 9, तो वो मैथमेटिक्स में यहाँ पे नहीं अप्लाई करना अपने, और डिफरेंस हमेशा निकलेगा इसके अंदर, क्योंकि हमने पॉइंट को राउंड फिगर किया, और डिफरेंस कितना होगा, 10, 20, 30 रुपये का होगा, डिपेंड ऑन कितने अमाउंट है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो यहाँ पे आपका टू कैश से मैंने 10 मैच कर दिया, प्रॉपर मैच हो जाएगा, आप चेक करोगे तो, ठीक है ना। चलिए इसको भी नोट करिए, फिर हम आ जाएंगे बिजनेस परचेज पे। इसमें किसी को डाउट, अब ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस परचेज का मतलब क्या है। मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड, ये बिजनेसमैन है, और एक कंपनी है पी क्यू आर लिमिटेड, ये भी बिजनेसमैन है।
किसी बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं कि वो बिजनेस कितना बड़ा है, कैसे पता करोगे? उस बिजनेस के ऑनर को देख के या उस बिजनेस के बैलेंस शीट को देख के? तो जवाब होगा सर, उस बिजनेस के बैलेंस शीट को। ऑनर का थोड़ी पता है, ऑनर तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस के बहुत सिंपल भी रहते हैं। अब इस बिजनेस के बैलेंस शीट को जब हम देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या देखना है? बैलेंस शीट में इसके सारे एसेट को देखना है कि कितने का एसेट है। मान लेते हैं इसके पास 5 लाख रुपए का एसेट है। और बैलेंस शीट में और क्या होता है सर? बैलेंस शीट में कैपिटल होता है। मान लेते हैं 1 लाख का कैपिटल है। बैलेंस शीट में और क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस होता है। मान लेते हैं बैलेंस शीट में 50,000 रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है। और बैलेंस शीट में क्या है सर? बैलेंस शीट में और मान लेते हैं कि करंट क्रेडिटर है, क्रेडिटर 3.5 लाख का है। तो अल्टीमेटली टोटल हमारा क्या आ गया? 5 लाख। और इधर भी टोटल क्या बन गया हमारा? 5 लाख। तो जब ये कंपनी इस कंपनी को खरीदेगा तो हिसाब किताब लगाएगा कि 5 के तो एसेट्स आ जाएंगे और 3.50 के इसके लाइबिलिटी हैं। तो 3.50 के जब लाइबिलिटी हैं तो 3.50 को तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो इस कंपनी को खरीदोगे कितने में? अब बात रही कैपिटल, कैपिटल ऑनर का होता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी ऑनर का होता है। वो यहां से इसको लेकर निकल जाएगा, यानी कैपिटल और इसको। कभी भी हम दूसरी कंपनी को खरीदेंगे ना, तो कैपिटल को नहीं खरीदते और रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं खरीदते, क्योंकि वो पुराने कैपिटल का सिर्फ हिस्सा होता है। वो उसके बदले में हम उसको पेमेंट देते हैं। तो हमें क्या लेना है? एक तो एसेट्स और एक लाइबिलिटी। आपको पता है 5 लाख का एसेट्स है और आपके पास 3.5 लाख रुपये का लाइबिलिटी है, तो आप इस कंपनी को कितने में खरीदोगे? तो आपका जवाब है सर, हम इस कंपनी को 1.5 लाख रुपये में खरीद लेंगे। लेकिन मे बी पॉसिबल है कि ये इस कंपनी को चालाकी से 1,45,000 में खरीद ले, हो सकता है पॉसिबल। तो अगर मुझे 1.5 लाख रुपए की कंपनी की जितनी उसकी वैल्यूएशन थी, 1.5 लाख रुपए वाली कंपनी को अगर हम 1,45,000 में हम खरीद लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया? फायदा। और ऐसे फायदे जो कि कभी कभी होते हैं, उसको हम कैपिटल रिजर्व में भेज दिया करते हैं। और कैपिटल रिजर्व बताओ, डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट होता है। अब ये भी तो पॉसिबल है सर, इसको हम 1.60 में खरीदें। तो इसका मतलब 1,50,000 की कंपनी की हैसियत है इसकी, हम इसे 1.60 दे रहे हैं। ऐसा क्यों? इस कंपनी के जो है, हमें लगता है आगे पोटेंशियल है, तभी तो खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब बाकी जो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो गुडविल के दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको जो मेजर ध्यान रखना है, जब आप इस कंपनी को खरीदोगे तो क्या करोगे? इसके सारे एसेट्स ले लोगे और इस कंपनी के सारे लाइबिलिटी भी ले लोगे। और उसके बाद अगर आपने एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है और पैसे आपने कम दिया है, तो कैपिटल रिजर्व। और अगर पैसे ज़्यादा दिया है वैल्यूएशन से, तो क्या आएगा? आपका गुडविल आएगा वहाँ पर, डिफरेंस। समझ में आई बात आपको? यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बना देता हूँ, बैलेंस शीट में लिखा मैंने प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, कैश का बैलेंस 2 लाख, डेटर मैंने लिखा 3 लाख, कैपिटल लिखा मैंने यहाँ पे 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस मैंने लिखा 2 लाख, और मैंने यहां लिखा बैंक से लिया हुआ लोन, बैंक लोन, ये डिबेंचर भी हो सकता है, लोन तो इक्वल है। तो ये कितने हमारे? 6 लाख, और ये कितने का है? 3 लाख। नाउ कंपनी ने इसको ऑफर क्या करा? कंपनी ने बोला कि हम इस कंपनी को खरीद रहे हैं, इसके सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटी, एंड बदले में हमने डिसाइड किया कि हम इसको जो देंगे, हम इसको इशू करने वाले हैं 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। हम इसे 40,000 इक्विटी शेयर दे देंगे, कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। तो चलो देखते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के सारे एसेट्स खरीदोगे, एसेट्स अपने एसेट्स में मिलाओगे, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सारे एसेट्स खरीद रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का जी? 1 लाख का। कैश भी लेना है आपने, ऐसा नहीं कि कैश उसके पास छोड़ देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितने का? 2 लाख का। इसके बाद डेटर भी ले ले, डेटर अकाउंट
डेबिट कितने का, और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी में क्या लिया आपने, बैंक लोन, बैंक लोन, लोन बैंक लोन कितने का, 3 लाख का। अच्छा, अब इसको जो हम दे रहे हैं सामने वाले बिजनेस को खरीदते हैं, वहां दो वर्ड यूज कर सकते हो, एक वेंडर भी कर सकते हो, लेकिन वेंडर 12th तक अच्छा लगता है। अब आपने लिखना है परचेज कंसीडरेशन, अब आपने क्या लिखना है, जिसे हम बोलेंगे पीसी शॉर्ट फॉर्म में, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, परचेज कंसीडरेशन, कंसीडरेशन पीसी बोलेंगे, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर जो एमलगेमेशन है उसमें सब में यही यूज होगा, तो हम एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चलेंगे। तो अब बताइए, मैंने इसको वादा किया है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 40,000 शेयर दूंगा 10 वाला, इसका मतलब मैं इसे 4 लाख रुपए देना चाहता हूं। तो इस कंपनी को मैंने 4 लाख रुपए में एक्वायर किया, अब मैच करते हैं, इधर टोटल 7 लाख और डेबिट में टोटल 6 लाख, इसका मतलब यहां पे जो बैलेंस निकला है उसको नाम दे देंगे हम गुडविल, और गुडविल डेबिट कर देंगे कितने का, 1 लाख का। पहली एंट्री में किसी को डाउट, जनरल एंट्री यहां बनने वाला है बीइंग ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन, आपने कंपनी का सारा एसेट्स और लाइबिलिटी टेकन कर लिया, मतलब अपने पास रख लिया, समझे बात, कोई दिक्कत। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, अब इशू भी तो करना है शेयर, तो हम किसे करेंगे, परचेज कंसीडरेशन, ऑल दो वेंडर लिख सकते हो लेकिन अभी नहीं लिखना, अब 12 तक की बात थी वो, तो मैं लिखूंगा पीसी अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, ये लो मैंने इसको शेयर इशू कर दिया, तो बीइंग क्या होगा, बीइंग शेयर इशू टू वेंडर, टू वेंडर, शेयर इशू टू वेंडर, कोई दिक्कत, ये एंट्री हो गया। सपोज मैं थोड़े से पार्ट्स ऐड, क्योंकि क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, इतने एग्जांपल में करा रहा हूँ, थोड़ा पार्ट के ऐड कर देंगे, मान लो प्रीमियम पे देता मैं 10%, तो इसका मतलब 4 लाख शेयर और 10% 4.40, तो पीसी में कितना लेते हैं आप 4, और ये बन जाता 1.40, है ना, और फिर यहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं, समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि मैंने 4 लाख के शेयर दिए और 20,000 रुपये नकद भी दे दिए, तो कितने दे दिए टोटल 4 लाख, तो यहाँ पीसी में कितने लोगे आप 4,20,000 लोगे, और जब ये वाली एंट्री आएगी तो पीसी 4,20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, और टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 20,000, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई समस्या है। तो जो बिजनेस परचेज करने वाली बात है वो भी ट्रांजेक्शन हमारा खत्म हो गया, अब अगला रहता है हमारा अंडर राइटर एंड प्रमोटर, लेकिन पहले तो अंडर राइटर समझना होगा, प्रमोटर फिर करेंगे, तो एक बार इसको भी आप नोट करिए, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, बस थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूँ, केस नंबर 1 ये मान लो और केस नंबर 2 लिखने जा रहा हूँ, मैंने अगर इशू कर दिया मान लेते हैं 25,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो केस नंबर 2 का आंसर इधर लिख देता हूँ, आपका प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख, कैश आ जाएगा आपका 2 लाख, डेटर आ जाएगा आपका 3 लाख, टू बैंक लोन आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ BL 3 लाख, और टू PC आ जाएगा, PC क्या आएगा 25,000 इंटू में 10 यानी 2.5 लाख, 2,50,000। तो अब आप देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 6 लाख और यहाँ आ रहा है 5.5, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है क्रेडिट में, तो अब क्रेडिट में जब डिफरेंस आ रहा है तो इसको हम कैपिटल रिजर्व से एंट्री करेंगे 50,000 रुपीज़, सेकेंड केस जो इसका बन सकता है मैंने लिख दिया। अगली एंट्री तो आप कर सकते हो पीसी टू इक्विटी शेयर कैपिटल और कितने रुपए, पूरे 2.5 लाख रुपए से अब यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे, 2.5 लाख रुपए से एंट्री कर देंगे, ठीक है, डन। कोई डाउट, इसको भी नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले देखते हैं अंडरराइटर, फिर देखेंगे प्रमोटर। सर अंडरराइटर होता कौन है, मैं समझाता हूँ,
जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, आपने नाम सुना इस कंपनी का कभी? नहीं सुना। इस कंपनी ने अभी आपके पास शेयर लेके आया है, आपको कंपनी ने एक शेयर इशू किया है और बोलता है आप सभी अपने घर से पैसे लगाइए इसमें, और कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का मान लेते हैं कि इशू लेके आई है, पब्लिक इशू 100 करोड़ रुपीज़ का। 100 करोड़ तो मैंने कम बताया, कंपनी इससे भी ज़्यादा लेके आती है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10000 करोड़ तक का आईपीओ लेके आती है। तो कंपनी ने इतने शेयर इशू करे और आप इसे जानते ही नहीं हो। मैं आप सभी के पास आता हूं कि मेरी कंपनी के शेयर लो, मेरी कंपनी के शेयर लो, कितना भी समझा दो, आप बोलोगे हम नहीं लेंगे इसके शेयर क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ऐसे कहानी जब घूमेगा तो इस कंपनी के शेयर बिकेंगे कितने? कम। और आपको पता है कि अगर इसके 90% से कम बिके तो ये कंपनी इशू नहीं कर सकता, कंडीशन है ना 90%। तो इसलिए सेबी ने क्या करा, इसके बीच में लेके आया चेन, जो चेन कंपनी और इसके बीच में एक पर्सन को और खड़ा किया, और ये जो पर्सन है ना इसके पास ढेर सारा पैसा है, एक तरीके से ये गारंटर है। ये क्या कहता है कंपनी को कि भाई मैं तुम्हारे 100 के 100 करोड़ के शेयर बिकवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। कंपनी ने बोला ठीक है बिकवा दो, अगर ऐसा कोई गारंटर मिल जाए तो क्या ये 90% वाली कंडीशन बनेगी? कभी नहीं बनेगी। यानी कंपनी को राहत मिल जाएगी कि भाई हम 90% वाली कैटेगरी तो बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती सर? क्योंकि मेरे शेयर तो बिक जाएंगे ठेके पे। लेकिन ये होता कौन है जो इस तरीके का गारंटी लेता है? उसको बोलते हैं अंडरराइटर, उसको बोलते हैं अंडरराइटर। अब इंडिया में अंडरराइटर कौन है? सारे जितने बैंकिंग हैं वो सारे के सारे लगभग अंडरराइटर का काम करते हैं, अंडरराइटिंग का। मैं अगर नाम गिनवाऊँ, ICICI बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो सबसे ज़्यादा, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड करते हैं, और भी आप HDFC, ये सभी अंडरराइटर का काम करते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है। अब इसने क्या करा, इसको सारे शेयर दे दिए। अब ये क्या करता है, आगे पब्लिक को बेचता है, क्योंकि इनके पास इतने सारे अकाउंट होल्डर होता है ना, उन सभी को इंटीमेट कर देता है, एडवर्टीजमेंट करता है, सारी चीज़ें करता है। बाकी जो खर्चा होता है ना इसको एडवर्टीजमेंट वगैरह का देगा कंपनी, लेकिन कंपनी के पास नॉलेज है ना कि कैसे रीच किया जाए, तो इसके बदले ये करता है। अब ये बेचने में कामयाब हो चाहे ना हो, अगर ये बेच देगा तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं बेचा तो इसे खुद ही खरीदना पड़ेगा ये 100 करोड़ के शेयर। बदले में इतना रिस्क क्यों ले रहा है? आपको लग रहा होगा कि इतना रिस्क ले क्यों रहा है भला, ये क्यों, मजा थोड़ी आ रहा है इसको इस केस के अंदर, क्यों ले रहा है ये रिस्क? इसलिए क्योंकि इसे मिलेगा कमीशन। अच्छा, कमीशन मिलेगा, कितने कमीशन मिलेगा? मैक्सिमम 5%, 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारे कंपनी लॉ में कहा गया है अंडरराइटर को कमीशन 5% से ज़्यादा मत दे देना, आप 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, इतना ही। 5% से ज़्यादा देने के लिए स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा CLB का, वो लॉ की बातें हैं। तो 5% कमीशन देना पड़ता है, बाकी हमारे प्रैक्टिकल में ये 5% कहीं इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा। दूसरा ये है इक्विटी के केस में, मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, और 2.5% होता है डिबेंचर के केस में। यानी अंडरराइटर को कमीशन दिया जाता है मैक्सिमम 5% फॉर इक्विटी शेयर के केस में, और डिबेंचर के केस में कितना? 2.5%। तो सर 100 करोड़ पे अगर मैं इसे 5% दूँ तो कितना देना होगा? 100 करोड़ पे 5% यानी 5 करोड़, देख रहे हो कमीशन कितना मिल गया इसे, इतना रिस्क लिया है, इसे 5 करोड़ रुपए का कमीशन मिलेगा। अब कमीशन मिलेगा तो ये भी चालाक है, ये बोलेगा भाई तेरे को पैसे नहीं देंगे, हम शेयर ही देंगे 5 करोड़ के। तो हो गया ना, इसने शेयर इशू किसको कर दिया? अंडरराइटर को। और अंडरराइटर को जब इसने शेयर इशू किया है तो उसके बदले में कोई पैसे वगैरह तो आए नहीं, तो शेयर इशू अदर देन कैश का बन गया। मान लेते हैं 5 करोड़ का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कितने इशू करने हमें? 5 करोड़। तो पहले तो अंडरराइटर को देना है पैसा, तो उसको हम बात करते हैं। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री देखना, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, यानी खर्चा है कितने का? 5 CR टू अंडरराइटर, अंडरराइटर, अंडरराइटर को देना है 5 करोड़। यहां पे अंडरराइटर का मतलब है लाइबिलिटी है, और यहां ये खर्चा है बीइंग, अगर हम लिखें यहां पे तो क्या लिखेंगे के अंडरराइटर कमीशन ड्यू, अंडर राइटर कमीशन ड्यू हो गया। समझ में आई बात आपको? अब शेयर्स देंगे तो क्या एंट्री करेंगे? अंडरराइटर टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में कहेगा क्वेश्चन में प्रीमियम पे डिस्काउंट पे तो होगा ही नहीं, प्रीमियम पे कहेगा तो आप प्रीमियम वहां पे निकाल लोगे। जैसे प्रीमियम कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बताया था वैसे ही निकालोगे आप। नहीं कुछ मैंने डिबेंचर का परसेंटेज क्यों बताता मैं, कुछ भी हो सकता है। हमारा अभी इक्विटी का चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो हम इक्विटी वाली बात कर रहे हैं, बाकी कुछ भी इशू कर सकते हैं। तो ये हो गया अंडरराइटर कमीशन को, अंडरराइटर को कमीशन के बदले शेयर देना। अगला कौन है हमारा, इस प्रमोटर को समझते हैं पहले। इसमें बताओ कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है, क्लियर एंट्री हो जाएगा इजीली। अगला देखते हैं हम प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है, मुखिया, मेन पर्सन, मालिक, ऑनर, जो कंपनी को बनाता है, जो कंपनी के बारे में थॉट देखता है, जो कंपनी के बारे में आइडिया सोचता है। तो जैसे मान लेते हैं राम, अगर राम की बात करूं तो राम ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी बनाते हैं। तो राम ने जब डिसाइड किया कंपनी बनाते हैं और कंपनी का नाम इसने लिखा आर लिमिटेड, राम ने डिसाइड किया एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी का नाम रखा आर लिमिटेड। तो आर लिमिटेड वर्ड लगाना क्या इतना आसान है, नहीं लगा सकते, लगाओगे तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। इस आर लिमिटेड को लगाने के लिए इसके जाना पड़ेगा आर ओ सी, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास। आर ओ सी इसको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बता देगा, एम ओ ए लेके आइए, ए ओ ए लेके आइए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लेके आइए। जब आपसे ये डॉक्यूमेंट डिमांड किया जाएगा तो आप इन डॉक्यूमेंट को जब प्रिपेयर करोगे तो आपके इसमें खर्चे होंगे, एक्सपेंस। इस डॉक्यूमेंट को देने के बाद भी कन्फर्म नहीं है कि आपकी कंपनी बन जाएगी, कुछ कमी आ गई डॉक्यूमेंट में तो मना कर देगा वो। तो देखो आपकी कंपनी के आगे लिमिटेड लगा है नहीं, खर्चे पहले ही हो गए। अब जो खर्चे पहले ही हो गए, मान लेते हैं यहां से यहां तक 50,000 खर्चे कर चुका है, और खर्चा किसने किया, इसने, मालिक ने, इसी मालिक को क्या बोलेंगे, प्रमोटर। तो ये प्रमोटर इस खर्चे की मांग करेगा, इस खर्चे की डिमांड करेगा, क्योंकि मालिक अलग होता है और कंपनी अलग होता है। तो कंपनी बनने के बाद ऐसा थोड़ी हाथ डाला पैसा निकाल लिया, तो उसे तो कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में ये क्या करेगा, कंपनी और सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया तो कंपनी को एक पूरा डिटेल देगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर कंपनी बदले में इसको क्या कर देगा, शेयर इशू कर देगा। तो जो प्रमोटर को जो एक्सपेंस दिया गया उसको एक्सपेंस को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। सर इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बिल्डअप करना, बनाना, क्योंकि बनाया ही तो है इसने, तो इसलिए इस खर्चे का नाम क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो हम प्रमोटर को पेड तो करेंगे, लेकिन किसके लिए पेड करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। कई बार इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रीलिमिनरी मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले का खर्चा, ठीक है ना। तो जनरल एंट्री कर दें इसकी भी, 50,000 रुपये का था मेरे एग्जाम्पल में, इसकी भी जनरल एंट्री कर देते हैं, दो पार्ट में बांट देता हूँ यहाँ पे जनरल एंट्री, ठीक है। आप बस आप ध्यान से नोट करिएगा, पहले हम एक्सपेंस ड्यू करेंगे इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कितने रुपए, डेबिट, डेबिट डेबिट आप लिख लेना 50,000 टू प्रमोटर, टू प्रमोटर 50,000। अगली एंट्री इस साइड करते हैं, अमाउंट क्या लिखोगे बींग यहां, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अमाउंट ड्यू, ठीक है ना। अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री क्या करेंगे, प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए 50,000। तो लो जी आपका ये टॉपिक भी हो गया डन। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो आप बता सकते हो, और आप अदर देन कैश का जो क्वेश्चन आएगा ना, तो वो कैसा क्वेश्चन होगा मैं एक बार बता दूं आपका, वो क्वेश्चन बिल्कुल केस स्टडी बेस भी हो सकता है, कि एक क्वेश्चन दिया उसके अंदर प्रमोटर वाला भी पॉइंट डाल दिया उसके अंदर आपका, या फिर सिंपल वाला जो पहले करा था हमने वो केस डाल दिया, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। या एक फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा, शेयर इशू, प्रीमियम, फोर फीचर, उसका बी पार्ट बनाएंगे, कंपनी ऑल्सो इशू टू प्रमोटर दिस दिस दिस। तो पहले पूरा वाला क्वेश्चन तो करोगे ही, नॉर्मल वाला जो कर रहा था, जैसे क्वेश्चन 19 उसके बी पार्ट में एक और ये डाल दिया, 15 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में से आपका।